कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर्वकार भी, तो और आपका छोटा सा मामूली सा टीचर दो टैलेंटेड गर्ल्स के साथ, एक नाथ खां हैं और एक सिद्रा हैं, और जो कि एक अच्छे उहदे पे जाने वाली हैं। अच्छा बेटा, FAA की काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम थी कि FAA की स्लिप का कोई इशू था। यस बेटा, आप बताएंगे क्या इशू था? आप पास हैं, मैंने तीनों जो टेस्ट थे मैं गई भी हूँ, अच्छा टेस्ट मेरे पास, तो लेकिन क्या जो आपके कहीं मेंशन किया था पास का? सर वो मेरे पास जो स्लिप्स थी उनके उन पे उन्होंने लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड, अच्छा, फिर उसके तो बाद क्या उसके हुआ? बाद तीनों स्लिप्स पे उन्होंने लिखा मैं बाय, जैसे जैसे उनका टाइम था वैसे वैसे फिजिकल, जिसमें उन्होंने एक पास कर लिया उन्होंने कहा था कि आपको रनिंग की जरूरत नहीं है, जो एक पास कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब एग्जाम स्टेटस देख रहे हैं तो फेल है, यानी उसके रोल स्लिप नहीं आ रही। अच्छा स्टूडेंट, जिनका एग्जाम फेल आ रहा है या वो बच्चियाँ जिनका टेस्ट स्किप हो चुका है, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक ऐसी गुड न्यूज़ जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, राइट? लेकिन खुशी की फ़ायदा नहीं है, लेकिन खुश हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताने लगा हूँ क्या बात है। पहले तो ये बताने लगा हूँ कि FAA की हमने जितनी वीडियोज़ बनाई थी माशाल्लाह तमाम की तमाम बहुत हिट गई हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो पेपर दे के आ रहे थे, इवन के वीडियोज़ के नीचे भी आप लोग कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, राइट? और जिसमें वही ऑप्शंस थे जो हमने बताए थे, जो कॉन्स्टेबल्स के और UDC के, LDC के, असिस्टेंट के, जो जो हमने बताए थे वही थे, और पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा था, शायद आप सुन रही हो, राइट? पेपर बहुत ईजीस्ट था, और जिस तरह मैंने बोला था कि सिलेबस से इरेलीवेंट आएगा, और वैसा ही हुआ है, सारा का सारा सिलेबस इरेलीवेंट आया। हालांकि यहाँ लड़के शोर मचा रहे थे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें वो तो सिलेबस में है ही नहीं। सीधा सुनी थी वीडियोज़, मैं बार बार बोल रहा था कि सिलेबस से इरेलीवेंट ही आना है, सिलेबस जैसा नहीं आना। आप अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा धोखा है कि सिलेबस के मुताबिक दिए नहीं। और दूसरा, आपका नाम क्या है गुड़िया? नुसरत, ड्राइवर का टेस्ट इतना मुश्किल आया, शायद सुनी होगी वीडियो में, ड्राइवर का टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल आया कि आप सोच नहीं सकते। उस ड्राइवर से पूछा जा रहा है ब्रीथिंग क्या होती है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, और हमें यह बताएं इमिग्रेशन के मीनिंग क्या, मतलब क्या होता है। बंदा ये पूछे कि यार उसे सिग्नल का पूछो, उसे ट्रैफिक का पूछो, उससे पूछो कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, जो लाइसेंस पास करने वालों के लिए पूछा जाता है। इंग्लिश में पूरा पेपर ड्राइवर के लिए आ गया, अगर ड्राइवर को इंग्लिश इतनी आती होती तो यहाँ आके टेस्ट क्यों देता भाई? वो कुछ बनने चला जाता है, ड्राइवर का पेपर इंग्लिश में ले लिया इन लोगों ने, हैं? हाँ पायलट होते हैं वो लोग, इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है, और गपला बेनतहा, और मैं आवाज़ उठा उठा के थक गया, राइट? तो अभी ये है कि हम लोगों ने खुद, हमारे अदारे ने, प्रोजेक्ट हुआ हमने, उन्हें कंप्लेंट्स की हैं हाई लेवल पे, और एप्लीकेशन भेजी है। वो बच्चे जिनका टेस्ट स्किप हो चुका है, वो बच्चे जिन्हें रोल स्लिप, जैसे बात है, रोल स्लिप को कोई SMS किसी के नंबर पर नहीं आए, ठीक है, शोर मचा डाउनलोड कर लो कर लो। जो गाँव के एरियाज़ में थे, रूरल एरियाज़ में थे, क्या उन्हें पता था कि डाउनलोड करना है? नहीं। क्या उनके पास नेट पैकेज थे सारे? क्या नहीं। क्या उन्हें एक दरवाज़ा बजा के किसी ने बताना था? नहीं। एक SMS आता है, इसीलिए नंबर फीड किया जाता है। अगर आप लोग एक SMS नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे नंबर पे कि भाई आके टेस्ट दे दें, तो इस बात को ज़ेहन में आपको रखना चाहिए था कि आप लोग नंबर लेते ही ना फिर फॉर्म के अंदर, फिर तो बता देते कि बेटा आपने FAA की वेबसाइट ही देखते रहना, वहीं पर पता चलेगा। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो बच्चे जिनका टेस्ट नहीं हो सका, वो बच्चे जिनका ऑब्जेक्शन आ रहा है, उनके लिए हमारे अदारे ने आगे एप्लीकेशन भेजी है। आई होप सो उन सब के टेस्ट दोबारा होंगे, उन सब बच्चों के जिन्हें रोल स्लिप्स नहीं मिली या जिनका टेस्ट स्किप हो चुका है इस वजह से कि उन्हें रोल स्लिप का पता ही नहीं था, उन्हें कोई SMS आया नहीं था, उनके घर पर कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ था, इन सारी वजूहत पर उन तमाम के टेस्ट दोबारा कंडक्ट करने का इम्कान है। शायद जनवरी के मिड से वो स्टार्ट होंगे, और फिर उन तमाम बच्चों को कॉल किया जाएगा जो अभी तक टेस्ट नहीं दे सके। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, राइट? 60% ये बात अप्रूव हो चुकी है, 40% रह गई है। जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगी तो हम इस पर वीडियो बना के आपको अप्रिशिएट कर देंगे, लेकिन अपनी मेहनत को मत छोड़ें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी ये चीज़ अप्रूव हो सकती है 15-20 दिन के अंदर, क्योंकि हमारी कोशिश काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा अगर फिज़िकल टेस्ट पास करता है, मेहनत करके सब चीज़ें पास करता है, तो भाई वो टेस्ट क्यों नहीं देना चाहता? वो देना चाहता है, या तो उसके SMS नहीं आया, या फिर उसके लेटर नहीं मिला, कोई तो वजह हो सकती है ना। तो इस वजह के ज़िम्मेदार ये डिपार्टमेंट है जिसकी ड्यूटी थी इन सब चीज़ों का परफॉर्म देने की। तो देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।